ऑनलाइन स्टोर से बड़े मेरी बात आ रही है, सही बात है सर। ऑनलाइन स्टोर से मेरी आवाज आ रही है, ये बात किया सर क्या क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रायल बोले सबके सामने, जरा मैच खेलेगा मैं सबके पास। परचेजेस का लेजर अलग बनेगा, परचेज रिटर्न्स का अलग बनेगा, सेल रिटर्न्स का अलग। तो फिगर अगर मेरी गलत तो मुझे बता दो। कैपिटल नहीं लिखा मैं, कैपिटल सॉरी क्रेडिट सलमान है ही नहीं मेरे ख्याल, क्रेडिटर सलमान के अपने लेजर निकालेंगे। सही क्रेडिटर सलमान का लेजर निकाली कर लो, लेजर है लेजर है लेजर है लेजर है, सीडी नहीं है ये, ना कहिए लेजर ही नहीं है, चेक करिए लेजर है, लेजर और सीडी बड़ा फर्क है सर। लेजर है ढूंढे, ट्रायल में क्यों नहीं है, सॉरी अगर मैंने कैपिटल 50, बाकी देखना और तो नहीं मिस्टेक बेटा, कभी करके आना था यार, आप लोगों ने किया नहीं, वो आप क्या कर पाएंगे, इन्होंने किया ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल देखें, क्वेश्चन नंबर फोर की फिगर्स मैच करें, मैं नीचे दिखाता हूँ। बैंक 23 3 2 5 हो सकता है कोई एक आध हेड ऊपर नीचे हो गया, फाइनल फिगर्स मैच करें, प्लीज देखें सर, प्लीज चेक कर लें। कहीं अगर मिस्टेक है तो कहीं मुझे बताना, मैच करना सर मेरा चेक करना ठीक है, करेंगे तो फिर पता चला। सर मैंने अगर आपके रजिस्टर से लिखा होता बेटा फिर तो ठीक होता, लेकिन मैंने अपना लिखा तो चेक करना क्या करें। एक मिनट थ्री दिखा, बारह दिखाता हूँ, एक मिनट फोर ऑफ फाइनल करें, ये क्या करें आप क्या करें, क्रेडिटर पैटर्न है 1820 1280 सही नहीं, मैं इसे ही कह रहा हूँ कि कहीं अगर जरूरत पड़ेगी मैं लेजर बना देता हूँ, अगर कोई मेरा बैलेंस आपको ठीक नहीं लग रहा, आपका मेरे से मैच नहीं है, प्लीज बता दें ताकि मैं वो लेजर फिर बना देता हूँ। लेजर फिर मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगर बैलेंस ठीक है आपका तो ठीक, याद रखिएगा। पच्चीस दिन से आगे देखें, ठीक है इसका टोटल बताइए, 38 एंट्रीज ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं, डेट वाइज आपने चलना है, लेजर्स ऊपर लिखते हो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक, बट आपने लिखा तो है रेंट के साथ एक्सपेंस का। परचेजेस 3 3 5 नहीं है जी क्वेश्चन नंबर फोर में,
बिलाल बेटा आपने फिगर ठीक नहीं बताई, 3375 नहीं है, कैलकुलेटर पकड़े मैं परचेजेस की इंडिविजुअल फिगर्स बोल रहा हूँ, प्लस करेगा आप लोग भी पढ़ेगा ठीक है। परचेज है मार्च 3 में कसम देखे कसम 4 मिनट सामने की, अगर एक दो फिगर्स अगर ठीक करवा देना बच्चों के मिस्टेक्स हो। मार्च 3 में परचेज है 1625 प्लस करें, 8th मार्च 1710 1625 प्लस 1710 बस ये दो ही परचेज है, क्या आंसर आता है जी मिस्टर बिलाल क्या आंसर आता है, हमने टोटल ठीक नहीं किया लग रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी और फिगर में इशू, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, क्रेडिटर हसीब 10250 नहीं सर, इसमें 50 रिटर्न है, क्रेडिटर हसीब क्वेश्चन नंबर 3 एक सेकंड देखिएगा सर, क्रेडिटर हसीब कैलकुलेटर उठा, इसका वैसे आप लेजर देख लेना, सब लोग अपना लेजर निकालिएगा, क्रेडिटर हसीब का क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा, क्रेडिटर हसीब क्रेडिट हुआ होगा 6250 से पहले, आगे बढ़ेंगे तो दोबारा फिर क्रेडिट हुआ 4750 से, और एक दफा बेटा फिर डेबिट हुआ है 29 अक्टूबर को जब परचेज रिटर्न हुई है, 29 अक्टूबर को जब परचेज रिटर्न हुई है तो क्रेडिटर हसीब डेबिट, अपना जर्नल देखे जरा 29 अक्टूबर की जर्नल एंट्री अकाउंटिंग एंट्री देखे जरा जर्नल में, क्वेश्चन नंबर 3 का जर्नल ढूंढे, जर्नल जर्नल कहाँ होगा, जर्नल जर्नल पीछे पीछे जर्नल मेरा भाई, जर्नल दिस इज लेजर, जर्नल पीछे था, 29 अक्टूबर जर्नल देखें, बोलने क्या लिखा हो, तो क्रेडिटर रिसीव के लेजर में ये फिर फिगर डेबिट साइड पे आएगा, 750 डेबिट साइड पे आएगा, और देयर फॉर क्रेडिट बैलेंस 10250 रह गया, ये एक मिनट जरा लेजर बनवाइएगा जरा, क्रेडिटर रसीद परचेजेस पहले आएंगी 6250 फिर परचेज आएगी 4750 और फिर परचेज रिटर्न एंड में आएगी, तो देयर फॉर 11000 टोटल हो जाएगा, लेकिन एक क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 1025 लिखा, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है सर जी, आप डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर कहीं मिस्टेक है तो ठीक हो जाए जी। डियर क्वेश्चन नंबर 3 में किसी और का सवाल तो नहीं, बैंक कौन सा सर, किस सवाल में सर जी, किस सवाल में सर, 3 में बैंक का लेजर बनवाइएगा जरा, ये नजर आपने बनाया हुआ जरा बनवाइएगा जी सर, सर जो आप हुक्म करेंगे वही है सर, लेकिन मैं एक मिनट बना लेता हूँ, चांस दे रहा, सबसे पहले मेरा बैंक के लेजर में 50,000 का डेबिट साइड पे कैपिटल आया था, उसके बाद 17 अक्टूबर को कैश बैंक में जमा हुआ था 7500, उसके बाद फिर मशीनरी खरीदी थी बाय चेक, पेमेंट होने से बैंक क्रेडिट हो गया 13750, फिर उसके बाद 30 अक्टूबर पे जाके क्रेडिटर सलमान को चेक से पेमेंट की है, तो 21,500 से फिर बैंक क्रेडिट हुआ, बस यही मेरा ख्याल बैलेंस की जगह, कौन पूछा था, टोटल बनेगा 57,500,
57,500 और इसमें डेबिट बैलेंस आएगा सर बताइए। ठीक है बेटा, ठीक होगी। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा बेटा, कहीं थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मेरी आवाज नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बस। वाकई लेकिन जो असल बात पूछा वही रहा कि आपको भी पता चले 4750 आ रहा है। मैं सब क्वेश्चन नहीं समझा आपका, ये कहां से आ रहा है? अक्टूबर 9 बेटा पड़ेगा फर्स्ट नंबर 3 में। क्रेडिटर रसीद से 4750 के गुड्स बेटा परचेज हुई है तो क्रेडिट पे खरीदिए ना, लाइब्रेरी बन जाएगी। तो 4750 इसलिए क्रेडिटर रसीद पे ले जाओ, मैं क्रेडिट साइड पे फिगर आ जाऊंगा। ठीक है, सवाल भी सॉल्व हो कब? रिटर्न की काउंटिंग एंट्री बोलने का लिखी हुई, क्रेडिटर रसीव डेबिट, तो क्रेडिटर रसीव के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आएगी और परचेज रिटर्न के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। सर सेल SALES पे खत्म हो जाएगी और सेल के बाद अगर रिटर्न लगा हुआ है तो वो अलग लेजर बन जाएगा। क्यों क्यों, क्या सेल रिटर्न ऑफ मुनीब कहीं लिखा हुआ? मैंने वही कहा था जो सबको पता चला और आपको भी वही पता चला जो मैंने कहा, मैंने वही कहा। मुझे आशा है 32,500 से परचेज निकाली जा रहे हैं यार, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, टोटल परचेज मैंने बता फिगर ही दो है यार। डबल टू 500 है प्लस बेटा इस कैलकुलेटर को कोई फैसला करें, प्लस 6250 है, दोबारा कैलकुलेशन करें आइडिया, डबल टू 50 प्लस 6250 प्लस 4750 इज इक्वल टू दोबारा। प्लीज कितना आता है यार, हो गया फाइनल कि नहीं? जी इज इक्वल टू ढूंढना है, कैश का लेजर बनाएगी जी, कस्टमर जी कैश का लेजर कैश का लेजर देख के बनाएंगे। क्या लिखा डेबिट साइड से शुरू करें, सेल ही 4500 प्लस सेल ही 5250 कैश बैंक में जमा हुआ, बैंक डेबिट कैश करें बस। बेटा रिजवान आपको किसने कहा है कि परचेज रिटर्न और परचेज का लेजर सेम आएगा? परचेज का लेजर बनेगा, परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा, आपने परचेज रिटर्न परचेज के लेजर में ले ली है, इस वजह से डेफिनेटली आपका मैच नहीं हो रहा। ये सीडी बताएंगे इसका, जी राशिद ओके प्लीज, कैश का लेजर बन गए।
परचेज के लेजर में परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न एक नया हेड हो गया उसका अलग लेजर बनेगा। ये कैन यू फाइंड इट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 अपने ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल, एक सेकंड दोबारा देखो कि नहीं, अब फिर बता दो प्लीज, काइंडली फाइनल कर ले। ओके अपने का मसला रहेगा इसका टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल करें, मनान साहब ये देख रहे हैं अपनी पिकअप पहले मैच करें। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर्स मैच करें ट्रायल बैलेंस की। जहां इश्यू होगा प्लीज बता दीजिएगा, मैं लेजर बना देता हूँ। देखिए जी, ऑनलाइन स्टोर से बैठे, बैंक कैपिटल परचेजेस, क्रेडिटर्स रेट, फिक्स्चर्स कैश सेल क्रेडिटर्स, किसी का अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा मुझे बता दो, यहां तक बैलेंसेस अगर सेम नहीं है, सेम है तो बता दो। जी ओके जी प्लीज आओ, तो पहले देखो ठीक है सर, फिर ये बैलेंस पर आप अपना टोटल चेक करें, अगर फिगर्स ठीक है सारे फिगर्स ठीक है। ये डेयर आपका ठीक है सब, चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लें यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 के लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाए जी। फाइनली बिल्कुल खामोशी प्लीज, इंडिविजुअली वर्किंग करें प्लीज सर।
ये अब्दुलहद है ना, अब्दुलहद
लेजर बन गया बैलेंस करें, लेजर बन गया बैलेंस करें, ट्रायल बनाए। बैलेंस कर लेंगे, कोई नहीं तो गलत होगा तो ठीक कर लेंगे, चेक करें आप लोग पहले अपना। तो चेक हो जाएगा, फाइनल करें। इसे अगर बच्चों को चेक कर, किसी को अगर प्रॉब्लम है लेटर्स वगैरह में तो बताओ।
ट्रायल बन गया, ट्रायल ये सर जी लज्जा बना के बैलेंस करें, लज्जा दिखाऊं मैं, ट्रायल बना लिए, ट्रायल बनाया अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा, फिर मैं स्मैच कर लेता। कौन सा आ रहा है? स्लो हुआ है, ठीक ठीक है, ट्रायल पे नंबर
एजेस बन गए हैं सब पे, ट्रायल कंप्लीट कर। एक मिनट जरा, अब अपना ट्रायल बनाए जरा, फिगर मैच नहीं मैं करवा देता एंड में तो एक ही फिगर 2520 2520 ही है। ठीक है बेटा, दुदागरा दिन का हो गया, मैंने बाकी भी करना। अब जरा नीचे वगैरह देखते हैं बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब जरा बच्चे का इशू तो नहीं आ रहा? थोड़ा सा आगे आके बता दो। ये बड़ा कोई कॉन्सेप्टली इशू तो नहीं है, सबको पता नहीं कैसे बन रहा है? ट्रायल तक आ गए सारे, चलो मैच करना शुरू करें, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी। मोटर व्हीकल तक देख लें, बाकी फिर मैं बाद में दिखा देता हूँ। किसी फिगर में इशू है मुझे बता दे, मैं लेजर दिखा दूं। सर जी बताएंगे तो दिखाऊंगा ना। देखिए सर बता देंगे, मेरी मिस्टेक है, मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है सर, बैंक ये है सर, वो राइट साइड पर। कैश देख लिया था आपने या अभी देख रहे थे? एक मिनट यार, बेटा साहब जरा चेक कर लो जरा जी, बिलासा एक चीज आपके सामने ट्रायल आ रहा है साहब, जरा लेजर्स पहले फाइनल करना, लेजर्स का तो बैलेंस ना गलत हो। ये ओके सर, कैश ये पहले चार लेजर फाइनल कर लो यार, लेजर्स नजर आ रहे हैं सीक्वेंस में, जरा देखना कि मिस्टेक है या कोई चीज नहीं समझ आ रही, बता दो। कैश कैपिटल परचेजेस क्रेडिटर अहमद, क्रेडिटर अहमद का वैसे बैलेंस खत्म हो गया है। ठीक है आगे चलो, रेंट एक्सपेंस बैंक डेटर लाही एंड सेल्स, मैच कर ले फिगर्स।
इतना देखो सेल करे थे, दो क्रेडिट सेल है और कैश सेल है। ये ओके सर, ये तला देख ले सेल, सेल का लेजर स्टेशनरी डेटर महसूस सेल आइटम any issue sir? Can you last? मैं बड़ा इनमें तीन रह गए रिमेनिंग, वाटर एक्सपेंसेस, फिक्सचर और क्रेडिटर्स आवा। कैसे चले बफाइन के प्राइम बैलेंस देख के हम खत्म करेगा बिकॉज मैच कर रहा था टोटल टैली होता है मैच है टोटल बताइए बाकी चेक कर लेंगे किसका मैच नहीं रहा मुझे बता दें फिगर्स देख लेते हैं 159 210 कहीं इश्यू है तो बता दें कल ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जो हजरात अभी लिख रहे हैं जरा बता दें थोड़ा आइडिया जो मुझे लिख रहा अभी करने करने का ये ऑनलाइन अगर कोई लिख रहा तो वेट का मैसेज कर दे कुछ लिख दे डेबिट बैलेंस है सारी डेटर लाई का डेटर लाई का डेबिट बैलेंस है 3600 का इसलिए डेबिट कॉलम में आया है ठीक है तला सर जी जब भी हमने कोई एंट्री किया तो हमेशा क्या किया जितनी अमाउंट से डेबिट किया है उतनी अमाउंट से क्रेडिट किया सर जी मेरी बात एक मिनट सुन के नहीं देखो जब भी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो क्या जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट अब हुक्म करें आप क्या करें उसको पैसे देने नहीं उसे लेने पहले तो ये सही करें
डेटर से पैसे लेने तो हमें देने हैं तो हम अपने में कभी क्यों ना बात करें, पता नहीं उसने देने हैं हमने लेने, सोचो रखना अगर वो कह भी दे मैंने भी देने हमने तो लेने, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो क्या जो मर्जी का सर। ये आगे हुक्म इससे इसका क्या ताल्लुक हो, हमने तो सेल कर दी है कि हमने जितने सेल किया उतने से रिसीवेबल डेबिट नहीं किया तो इसलिए मैच कर गया। जर्नल देखें रखना क्या जर्नल में हर एंट्री में जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट है, तो जितने से डेबिट करें उतने से क्रेडिट करें हर ट्रांजेक्शन, इसमें टोटल में मैच होना ही होना। किस 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 कॉलम का टोटल है, किस किस कॉलम का टोटल है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल है, तो जितने डेबिट्स किए जितने हमने डेबिट्स किए उतने ही क्रेडिट्स किए, जितने रुपए डेबिट हुए उतने ही रुपए क्रेडिट हुए, इसके मैच है। ये आप नोट कर लिया हमने, अगर अमाउंट रहती है आप सीरीज देख के लिखेंगे आपको लिख लेना प्लीज। चलो अभी थोड़ी सी ट्रायल बैलेंस की जरा सेंस समझने की कोशिश करें, जरा क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल बैलेंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करके 5 तक वापस आए, बल्कि 2 से शुरू कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी बस बातें खत्म कर दे प्लीज, कोई अगर आगे पीछे छोड़ दे फिलहाल बात सुने गौर से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जहन में रखें कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस लिखे हुए हैं और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में, ये पक्की बात है। क्या कैश के लेजर में डेबिट बैलेंस होगा तभी हमने डेबिट कॉलम में लिखा है, तो डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस आ रहे हैं क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब मैं ट्रायल बैलेंस किसी को बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजर, एक मैं लेजर जेम में लाया, लेजर्स लेजर्स का मतलब टी जेम में लाया, किस तरफ लिखा होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, राइट लेफ्ट नहीं पता, डेबिट बैलेंस किस तरफ लिखा होता है, क्रेडिट साइड पे और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सॉरी डेबिट साइड पे, लेकिन ये आपके सामने क्या है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस लिखे हुए और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस लिखे हुए। अब जरा इनकी नेचर जरा देखें, जो अमाउंट्स डेबिट कॉलम में सिर्फ डेबिट कॉलम में, कैश क्या चीज है, कैश बैंक मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस मशीनरी ये सारे एसेट्स हैं। क्रेडिट कॉलम देखो, कैपिटल लोन 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 लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी, तो क्रेडिट कॉलम में या कैपिटल है या लाइबिलिटी है, फिलहाल मेरी तरफ से भी कोई कंक्लूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढो, क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले मेरी तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेबिट कॉलम में सिर्फ एसेट्स नजर आए और क्रेडिट कॉलम में कैपिटल और लाइबिलिटीज नजर आए। अब जरा ट्रायल बैलेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखना शुरू करो, डेबिट कॉलम बैंक परचेज कैश बैटो मशीन मशीनरी डेटर मनी सही रिटर्न ये सब मेरे पास वापस आ गया, तो जब हल्की से नहीं होगी आप आपकी तरह मेरे पास आ गए, इसको बड़ा सा सर्कल लगा और सर ये अगर ये एसेट है और ये एक्सपेंस है तो वापस ही चलता है।
क्रेडिट कॉलम सर्कल लगा लो अपना ट्रायल निकल सर। क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रायल सेल रिटर्न को बड़ा सा सर्कल, सेल रिटर्न की अमाउंट सर्कल लगा लो। ना ये एसेट है, ना ये लाइब्रेरी है, ना ये एक्सपेंस है, ना ये इनकम है, ना ये कैपिटल है, ये क्या है? ये मैं अभी दो मिनट बाद याद कराता हूँ। क्रेडिट कॉलम में आना, क्रेडिट कॉलम में ढूंढना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कैपिटल है, आगे लाइब्रेरी है, इनकम है, परचेज रिटर्न, बड़ा सर्कल जाने दें, परचेज रिटर्न, लाइब्रेरी। नीम किस्म के अकाउंटेंट नहीं बनना सर जी, सही अकाउंटेंट में सर्कल, बड़ा सर्कल। क्रेडिटर उत्मान लाइब्रेरी, सर्कल कहाँ कहाँ है? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को इग्नोर करके डेबिट कॉलम दोबारा देखो। एसेट्स है, देखिए सारा बैंक एसेट, कैश, परचेज, इग्नोरिंग सेल रिटर्न, एसेट्स है, इग्नोरिंग सेल रिटर्न, क्रेडिट कॉलम, इग्नोरिंग परचेज रिटर्न, कैपिटल है और लाइबिलिटीज है और इनकम भी, सेल, सेल इज अ लाइबिलिटी और कैपिटल इज इनकम, नॉट कैपिटल, नॉट लाइबिलिटी, इट इज इनकम। क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल, डेबिट कॉलम, बैंक, परचेजेस, फिक्स्चर्स, कैश, रेंट एक्सपेंस, 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 बस एक्सपेंस, साल लगा भी हुआ, एक्सपेंस विज इनकम, एक्सपेंस विज एक्सपेंस, प्लीज एक्सपेंस में, स्टेशनरी, ठीक है, जब तक यूज नहीं है, सेट है, और जब यूज हो रहेगी तो ये एसेट, फिलहाल एसेट जब खरीदा, डेटर एसेट, वेजेस एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, सर्कल, ड्रॉइंग एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? इग्नोरिंग ड्रॉइंग्स, नीचे मोटर लाइन आ गई, इग्नोरिंग ड्रॉइंग्स ढूंढे, या एसेट्स है या एक्सपेंसेस है, बस देख ले अपना जरा, देखो मेरा जरा पूरा नहीं नजर आ रहा है। इग्नोरिंग ड्रॉइंग्स या डेबिट कॉलम में एसेट्स है या एक्सपेंसेस है, वो नीचे से खत्म करेंगे, इग्नोरिंग ड्रॉइंग्स डेबिट कॉलम में क्या है? डेबिट कॉलम में क्या है? क्रेडिट कॉलम में कैपिटल, क्रेडिटर, सेल, इनकम, लाइबिलिटी, अचेज रिटर्न का सर्कल है, रेंट इनकम का चीज है, इनकम, इग्नोरिंग परचेज रिटर्न, या कैपिटल है, या लाइबिलिटीज है, या इनकम्स है। क्वेश्चन नंबर फाइव फाइनली, डेबिट कॉलम, कैश, परचेजेस, रेंट एक्सपेंस, बैंक, बैटरी लाही, स्टेशनरी, बैटर मसूर, रिपेयर, रिपेयर, सेल रिटर्न का सर्कल लगा लो। मोटर वैन, मोटर व्हीकल, मोटर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, फिक्स्चर्स, इग्नोरिंग सेल रिटर्न, डिसाइड करें क्या क्या, ये एसेट्स है मेरा, ये एक्सपेंसेस है, क्रेडिट कॉलम, कैपिटल, 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 सेल, परचेज रिटर्न सर्कल,
एंड क्रेडिटर सम नो सर्कल लायबिलिटी। अब अगर आप कहेंगे वो डेबिट क्रेडिट वाला एक टेबल जेन में लाना आपको, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमेशा डेबिट होके पड़ते हैं, देयरफॉर इनके हमेशा डेबिट बैलेंसेस होते हैं। आप अपने ट्रायल्स में सारे ट्रायल्स में डेबिट कॉलम में या क्या नजर आया, या क्या नजर आया, एसेट्स या एक्सपेंसेस नजर आए। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज तभी होते हैं जब इन्हें डेबिट किया जाए। याद है टेबल? और कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम के हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, क्योंकि जब ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो अब आपको अपने सारे ट्रायल बैलेंसेस में डेबिट बैलेंसेस किस किस के नजर आए, एसेट्स और एक्सपेंसेस के, और क्रेडिट बैलेंसेस किस किस से नजर आएंगे। अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि आप एसेट्स ढूंढने ट्रायल में, तो आज के बाद आप किस कॉलम में ढूंढेंगे? और अगर आपसे कह रहे हैं लाइबिलिटीज ढूंढना, अगर आपसे कहा जाए कैपिटल ढूंढना, अगर आपसे कहा जाए इनकम ढूंढना, तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंसेस, एंड कैपिटल लाइबिलिटीज एंड इनकम्स है क्रेडिट बैलेंस। ये दो सेंटेंसेस लिखो। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंसेस, व्हाइल इनकम्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड क्रेडिट बैलेंसेस। फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये समझ आ गई बात? सेल क्या चीज है? परचेज कब तक, कब तक बिक्री है? कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल कैपिटल है जो ओनर से पैसे है। अब हमारा बस इश्यू रहेगा ये जो सर्कल्स है, तो सर्कल्स थे क्वेश्चन नंबर 3 से। और आपने मेरे जो कल मुझे दिखाया था ना वो पेज, जिसको मैंने माजरत के साथ बड़ा बड़ा सा क्रॉस लिखा दिया था, वो भी बनाते हैं। ये सर जी, अब सर्कल लगा हुआ है, पहले आपको नजर आ रहा है परचेज रिटर्न पे, और दूसरा सर्कल नजर आ रहा है सेल रिटर्न। इनको सोचना कैसे है और इनकी फिगर्स किधर है, क्यों है? कंसंट्रेशन बस। सर जी, सेल रिटर्न अगर आपके सामने बोला जाए ना, तो सेल रिटर्न का मतलब है कि इनकम कम हो रही, कोई एसेट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई कैपिटल नहीं। सेल रिटर्न का मतलब सेल कम हो रही। अब सेल बढ़े तो किधर होगी? क्रेडिट साइड पे। तो सेल रिटर्न से होना क्या है? तो फिर सेल रिटर्न ट्रायल में किधर होनी चाहिए? क्रेडिट साइड। तो व्हाट इज द मीनिंग सेल रिटर्न? रिडक्शन इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, नथिंग एल्स। तो अगर सेल है तो किधर? क्रेडिट कॉलम में। तो सेल रिटर्न पे किधर होनी चाहिए? क्रेडिट कॉलम में। क्यों? सेल कम हो रही, इनकम कम हो रही, तो सेल हमेशा किस कॉलम में होगी? इसलिए सेल रिटर्न फिर हमेशा किस कॉलम में ही होनी चाहिए, क्योंकि सेल रिटर्न मींस सेल कम हो रही, सेल इनकम कम हो रही। सिमिलरली
परचेजेस अगर बढ़े तो डेबिट होंगी. व्हाट इज द मीनिंग परचेज रिटर्न? परचेज कम होगी तो परचेज अगर बढ़े वो तो डेबिट होगी 33,500. लेकिन परचेज रिटर्न्स मींस परचेज कम हो रही तो देयरफॉर क्रेडिट कॉलम में नजर आ रही. व्हाई सेल रिटर्न इज ऑन डेबिट कॉलम, इज इन डेबिट कॉलम, क्योंकि सेल कम हो रही. सेल रिटर्न की वजह से सेल कम हो रही. व्हाई परचेज रिटर्न इज इन क्रेडिट कॉलम, क्योंकि परचेज कम हो रही, क्योंकि परचेज कम हो रही है. और परचेज अगर कम होगी तो क्रेडिट होगी. What is the meaning of purchase return? Purchase कम हो रही है, therefore purchase return credit हो रही है. What is the meaning of sale return? But therefore sale return debit column में नजर आ रही. Capital भरे तो क्या होता है? Capital भरे तो क्या होता है? Drawings का. Capital भरे तो credit होता है. कैपिटल भरे तो क्या होता है? किस कॉलम में नजर आएगा कैपिटल आपको? क्रेडिट कॉलम में 30,000. क्वेश्चन नंबर 5 निकालो. फोर का ट्रायल. घड़ियां देखने से पहले ज़हन में रखिएगा कि आज क्लास स्टार्ट कब हुई है. थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम. ट्रायल नंबर 4 जी. सर कैपिटल किस तरह? कैपिटल क्रेडिट होता है. ड्रॉइंग्स क्या चीज है? डिडक्शन इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल. देयरफॉर ड्रॉइंग्स कहां नजर आएंगे? सेल रिटर्न का मतलब सेल कम होने का मतलब डेबिट. परचेज रिटर्न का मतलब परचेज कम का मतलब परचेज क्रेडिट हो रही है. ड्रॉइंग्स का मतलब तो कैपिटल भरे तो क्रेडिट होता है, कम हो तो डेबिट. आंखें बंद करके सोचो सेल रिटर्न किधर होनी चाहिए हमेशा? हिम्मत मारे, हिम्मत मारे. सेल हमेशा किधर होगी? देयरफॉर सेल रिटर्न किधर होगी? कैपिटल किधर होगा? देयरफॉर ड्रॉइंग्स किधर होगी? कैपिटल कम हो जाएगा ड्रॉइंग से. परचेज किधर होगी? एसेट है, एसेट है, डेबिट होगा. परचेज रिटर्न्स किधर होंगी? वजह फाइनल सेंटेंस में आया. वो उस पर्सन से बेस्ट चढ़ी हुई जो नोट लिखा उसके नीचे है. टाइम है निकाल लेते नोट. अल्लाह हाफिज. इंक्रीज इन इंक्रीज इन परचेज रिटर्न रिजल्ट्स इनटू सेंटेंस बना. Results into decrease in purchases. Therefore, have a credit balance. सेंटेंस 1, 2, 3 करके 3 बना ले. इंक्रीज इन परचेज रिटर्न्स रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन परचेजेस देयरफॉर हैव अ. ये किसकी बात की मैंने एंड में? देयरफॉर हैव अ, देयरफॉर परचेज रिटर्न हैव अ क्रेडिट बैलेंस. ये सेंटेंस समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा सर ट्रांसलेट करके करके थोड़ा थोड़ा सा. किसके बढ़ने से क्या होगा? देयरफॉर परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा. देयरफॉर परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस. सेल रिटर्न्स की लाइन लिखे इसका.
increases in return results into increase in sales, therefore have a correct point. Increase in sales returns result into decrease in sales, therefore sales returns have a debit. अब ठीक है, आप जो उस दिन बना रहे थे इसे टेबल था नहीं आपका, नहीं नेट रिजल्ट यही है हमारा। और फाइनली ड्रॉइंग्स, अभी तीन चीजें होगी जिनके इनवर्स रिलेशनशिप है, इंक्रीज इन ड्रॉइंग्स, रिजल्ट्स इनटू increase in drawings results into decrease in capital, therefore have a आप डेफिनेटली ये सेंटेंसेस जो है वाइस वर्सा के सेंस भी देंगे। जरा पहला पढ़े जरा वाइस वर्सा, लेकिन मैंने अगर मेरा ख्याल है कि इसमें एक सेंटेंस अगर याद हो तो अदरवाइज बनाने की जरूरत पड़े तो हम बना सकते हैं। तो एक सेकंड लास्ट, जब भी कभी सेल रिटर्न का वर्ड आपके सामने आए तो आपके जहन में आना चाहिए कि सेल कम होगी, नथिंग एल्स। ड्रॉइंग्स का वर्ड आया कैपिटल, याद आना चाहिए कि कैपिटल कम हो, और अगर परचेज रिटर्न वर्ड आ जाए तो परचेज के साथ रिस्क का लिंक है, सेल रिटर्न का लिंक सेल से, परचेज रिटर्न का परचेज से, और ड्रॉइंग्स का डिपेंडिंग, इस तरह से इसका लिंक याद रखें। दीज आर नाइदर एसेट्स नॉर एक्सपेंसेस। सेल रिटर्न मीन्स रिडक्शन इन इनकम, परचेज रिटर्न मीन्स रिडक्शन इन परचेज, and drawings means reduction in capital. ठीक है सर, रिवाइज करेगा सर्जिकल टेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। परचेज है सर, कौन सा एसेट? परचेज वाला एसेट, मशीनरी वाला एसेट नहीं, कैश वाला एसेट नहीं, बैंक वाला एसेट नहीं, कौन से वाला एसेट? परचेज वाला एसेट। कल सर जी यहाँ पे अच्छी तरह रिवाइज करिएगा, टेस्ट होगा कल क्लास के स्टार्ट में, थोड़ा सा होना चाहिए प्लीज। तो जरा क्वेश्चन सब कुछ रिवाइज करके आएगा प्लीज, तो थोड़े आधा घंटा का टेस्ट रख लेंगे, बल्कि क्लास के मिड में रखेंगे ताकि बच्चे इकट्ठे हो जाए। जरा समझ गए बात, अल्लाह हाफिज़।